हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं इस यूनिट में कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेज है, वो जो फ्लो ऑफ चार्जेज है पर यूनिट टाइम उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं या रेट ऑफ चार्ज। तो ये क्यों होता है, हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है एक तरफ तो ज़्यादा पोटेंशियल एक तरफ कम पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी क्रिएट। ऐसा कर देने से क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज पार्टिकल्स चलना शुरू कर देते हैं। और फिर इस बीच में एक नई चीज़ आई थी कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स चलते हैं वो एक्चुअल में ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट का मैंने आपके समझने के लिए मैंने बताया था हिंदी में मतलब होता है खिसकना, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इस तरह के तरीके से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बड़ी ही हाई स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, इवन दो चलते कम है लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उन सब का रिजल्टेंट मिला के हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिलती है, और जिसकी वजह से करंट फॉलो करता है। और वहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज़ आई थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि चार्ज पार्टिकल्स किस स्पीड से चलते हैं, और करंट जो है वो डिपेंड करता है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट की क्या वैल्यू होगी। हमने सीखा NEAVD, तो इसका क्या मतलब है, I = NEAVD, where VD is drift velocity। तो किसी भी बॉडी के अंदर करंट जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो कोई मान लिया दिस इज ए कंडक्टर, और इसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कैपेबल हैं, चलने लायक हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हो सकते हैं, आयरन में कुछ हैं, स्टील आयरन के जैसे कास्ट आयरन में कुछ हैं, स्टील में कुछ हैं, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री अलग अलग हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। दूसरा, चार्ज फिक्स है। एरिया मतलब वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से उसमें करंट फ्लो करेगा। और VD क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी ये जो एक चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्री है, फिक्स है, मास भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप अप्लाई करोगे जो वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टाऊ पे। टाऊ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम का दूसरा नाम क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन। और ये मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि बॉडी का या कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसमें करंट फ्लो करना भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो करंट घटेगा या बढ़ेगा। 99% बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उस कंडक्टर में क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल्स जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी चलेंगे वो समझ लेते हैं कि करंट भी उतना ही जल्दी चलेगा। लेकिन देखो, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जैसे जैसे जल्दी जल्दी इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे जाएंगे, तो ये इनके बीच टकराने का जो टाइम है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये घट जाएगा। और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे ही डिक्रीज कर जाएगी तो करंट फ्लो भी उतना ही जल्दी डिक्रीज कर जाएगा। तो कंडक्टिंग जो मटेरियल्स होते हैं जिसको हम डील करते हैं अपने सिलेबस में, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। आज हम फिर अब एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में,
कि ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, जो कि ओम्स ने बताया था इसकी पूरी डिटेल कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से आया, किस पे मैथमेटिकली डिपेंड करता है, व्हाट इज़ द काज बिहाइंड द रेजिस्टेंस। तो आपने इसका इंट्रोडक्शन 10th क्लास में थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन फिजिक्स 12th में ये काफ़ी डीप में आता है और एक एक चीज़ का अपना मीनिंग है। रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो क्यों है, उसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। अगर ये किसी पे डिपेंड करता है तो जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि किस पे डिपेंड करता है, किसके घटने से ये घटता है, किसके बढ़ने से ये बढ़ता है या घटता है। तो वो सारे फैक्टर्स हम वन बाय वन डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में शुरुआत करते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, वो भी दो तरीके हैं उसके भी। तो इसको आप ऐसे मत सोचना कि ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में किया था और वो उसका सेम है। जो आपने ओम्स लॉ V=IR सीखा था वहीं से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उसी डेरिवेशन में से, उसी एक लाइन में से, कि 12th क्लास में आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ। मान लिया ये एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ ये बैटरी लगा देने से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल मान लिया V, यहाँ पे जीरो, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, V, मतलब V माइनस जीरो V। मान लिया इसकी लेंथ जो है ये L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A है, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे ही मैं स्मॉल n लिखता हूं इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब आपको ये समझना है हर बार स्मॉल n का मतलब। अब हमने अभी तक क्या सीखा है, I=NeAVD² ये पूरे से, फिर VD=EE/M। तो फिर हमने क्या सीखा कि जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल, ये ई के बाद हम ई को क्या लिख सकते हैं, dV/dr। यहाँ पे वी मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस, वी dr का मतलब टोटल गैप, उनके बीच कितना डिफरेंस है, ये तो टोटल तो l का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो अगर e की वैल्यू हम रख देंगे तो I=NeAVD की जगह EE/M, फिर इस e की जगह V/L, तो I क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि ये जितना हम E को बढ़ाएंगे उतना V बढ़ेगा और जितना V बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट के बिहाव पे ओम्स ने बताया था कि अगर एक कंडक्टर के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और वो करंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। अगर आप कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो उस कंडक्टर में कम करंट फ्लो करेगा, और अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड across the conductor।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ये तो है फिजिकल, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसे डिफाइन करना है और ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो है फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक एक्स वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम ऐसे बोलें कि वाई बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, वाई घटेगा तो एक्स भी घटेगा, तो मैथमेटिक्स में इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स भी वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम अगर आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। ये बात सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में बोली जा सकती है, फिजिक्स में नहीं। क्यों? देखो पहले इसका कारण समझो। ये यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, करंट फ्लो मतलब करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अप्लाई होगा जितना आप करंट फ्लो करोगे। नहीं, दिस इज टेक्निकली रॉन्ग इन फिजिक्स। ये आई क्या है? ये एक रिजल्ट है, इफेक्ट है। इसका कारण कौन है? इसका कारण ये वी है। आप पोटेंशियल को अप्लाई करते हो, वो एक कारण है और उसकी वजह से करंट फॉलो करता है। ऐसा उल्टा नहीं है कि करंट फॉलो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो टेक्निकली ये ऐसा होगा और आपने इसलिए मैंने ये लिखी है लैंग्वेज। ओम्स लॉ का मतलब है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बच्चे 10th क्लास तक क्या याद रखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज ए कॉन्स्टेंट, और वो समझ लेते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी आई, और फिर वो ऐसे ही बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन द कंडक्टर, विच इज टेक्निकली रॉन्ग। तो आपको ये बात याद रखनी कि इसमें कारण कौन है और उसका इफेक्ट क्या है और उसको फिर बोलना कैसे, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो इसी के बिहाफ पे चलेगा, मैथमेटिक्स के बिहाफ पे। ओम्स ने उसको ऐसे लेके ही सब कुछ ड्राइव किया। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो वी कैन यूज ए कॉन्स्टेंट, तो v इज इक्वल टू आई आर, वेयर r इज ए कॉन्स्टेंट, r इज ए कॉन्स्टेंट। और ये r कॉन्स्टेंट क्यों है, किस किस पे डिपेंड करता है, कब इसको हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, वो चीज अभी हम प्रूफ करेंगे। तो R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट या खाली कॉन्स्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये ओम्स लॉ में ऐसे रेजिस्टेंस आ गया। अब इस ओम्स लॉ की ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में कुछ दो वर्ड्स हमारे अभी अधूरे हैं जो मैं बताऊंगा, वो इसमें ऐड करने हैं बाद में। तो पहले हम इस पर चलते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से निकालते हैं वैल्यूज, देखते हैं कि ये आर कॉन्स्टेंट है नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, अगर करता है तो उसको हम कब कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, और फिर क्या ऐसा अधूरा इसमें अब भी रह गया ओम्स लॉ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेके आगे चलते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो v इज इक्वल टू आई आर, वेयर आई हमें पता है, हम सीख चुके हैं एन ई ए वी डी, अभी पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं, वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ई ई बाई एम इंटू टाउ, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, dv by dr, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल गैप, टोटल उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना गैप है। तो dv मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से लेके यहां तक v है।
dr का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों एंड जो है इस कंडक्टर के उसके बीच का टोटल गैप तो l है, तो e की जगह v by l लिख देते हैं, तो vd क्या बन जाएगा, e v by l और m as it is into tau। अब vd की वैल्यू अगेन यहां पे पुट कर देते हैं, I is equal to N E A as it is और V D की जगह E V by M L into tau, तो ये क्या बन जाएगा, I is equal to N E square, ये E और E E square बन गया, A और tau, A tau by ML, और ये V को मैंने ऐसा लिख दिया, तो V upon I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V upon I की वैल्यू आ जाएगी ML upon N E square tau A, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या ये V upon I की वैल्यू एक कांस्टेंट आई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V upon I is equal to R, और जिसको हमने क्या बोला है, R is a constant known as resistance of the conductor, क्या ये V upon I जिसको हम R बोल सकते हैं, क्या ये constant I, अगर नहीं I या I किस पे depend करती है, तो इसके बारे में हम discuss करते हैं। मेरे को थोड़ा space चाहिए इसलिए मैं इसको rub कर देता हूँ। मैं वैल्यू देखता हूं कि V upon I is equal to R जो हमारा आया है ML upon N E square tau A। इसमें देखो M क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg कांस्टेंट है, ठीक है। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर एक बार ले लिया तो उसकी लेंथ घटने या बढ़ने वाली तो नहीं है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। एरिया, ये क्या है, इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज A, तो ये जो एक बार आपने कंडक्टर ले लिया जिस भी लेंथ का और जिस भी एरिया का, इट इज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अब एक चीज बची एन और एक चीज बची टाउ, तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्रीली चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जिनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये वो है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री है, वो चल सकते हैं, ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इसके ऊपर थोड़े से चोट मार दें, इसको तोड़ दें, इसको ऐसे टेढ़ा कर दें, या इसके अंदर कोई स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, डिफॉर्मेशन कर दें, तो इसके ऊपर, कहने का मतलब अगर हम कोई मैकेनिकल वर्क अप्लाई कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ला देना, डिफॉर्मेशन कर देना, तो फिर ऐसा करने से, जैसे आप बार बार इसके ऊपर थोड़ा मारते रहोगे, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब चलने लायक नहीं बचेंगे, उनमें से कुछ जो है चिपक जाएंगे, रुक जाएंगे, किसी एक आइटम के साथ जाके चिपक जाएंगे, स्टिकिंग बोलते हैं उसको, और कुछ जो है फिर भी फ्री रह जाएंगे। तो इसके ऊपर मैकेनिकल वर्क करने से इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये एन जो है इसका, इस कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जो भी आप कर चुके हो कांस्टेंट डिफॉर्मेशन रहना चाहिए, तो ये डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन का एग्जैक्ट वर्ड जो है स्ट्रेन, स्ट्रेन आपने सीखा भी है 11th क्लास में, तो ये डिपेंड करता है स्ट्रेन पे, तो स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, बाकी तो ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, एम बी एल बी ई बी ए बी, लेकिन एन जो है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस पे किसी ने कोई मैकेनिकल वर्क कर दिया, ऐसे स्क्रैचिंग कर दी, कुछ कर दिया, इसके ऊपर दबाव आ गया, तो ये चेंज हो सकता है, तो ये स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम अभी भी मैंने बताया है, पिछली क्लास में बताया था
कि इट्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो दो बम्बार्डमेंट या दो आपस में टकराने का, एक के बाद टकरा के दूसरे से जो टकराता है, दो कोलिजन के बीच का टाइम जो है कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये कॉन्स्टेंट कब होगा, जब ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट होंगी। इन सारी में से ये चार वैल्यूज तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगी, लेकिन एन जब उसके ऊपर कोई मैकेनिकल स्ट्रेन नहीं है, ताऊ जब एक्सपेरिमेंट करते दौरान इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कॉन्स्टेंट कब होगा, व्हेन देयर इज नो मैकेनिकल स्ट्रेन एंड नो चेंज इन टेम्परेचर। तो उस टाइम पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये सही में कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ की ये कंप्लीट डेफिनेशन कब होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड, दूसरी बात, नो मैकेनिकल स्ट्रेन। तो ये हमारी जो है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ है। उसके बाद यहां से जो निकल के आया रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट तभी होगा, ये सारे फैक्टर्स, ये कैसे आए मैथमेटिकली आई हैव प्रूव्ड। अब इसमें हम आगे चलेंगे कि ये रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरी बात ये वी अपॉन आई आर का मैथमेटिकली आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी हम इन दो बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है मैं उसको जस्ट लिख रहा हूं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। अब इस इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस इक्वेशन से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये V इज इक्वल टू आई आर, अगर मैं V अपॉन I कर दूं तो क्या बन जाएगा R। अब एक ग्राफ बनाता हूं मैं, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट जब है, जब वो लाइन अगर ओरिजिन से शुरू नहीं होती है, और अगर वो लाइन ओरिजिन से शुरू होती है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स, और y बाई एक्स क्या बन गया m, m को क्या बोलते हो आप, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये लाइन किस एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, इधर y होना चाहिए और इधर x होना चाहिए, उस टाइम पे ये m क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, और आप इसको ऐसे बनाते हो, और ये जो एंगल है थीटा, ये tan थीटा, ये tan थीटा को आप स्लोप क्यों बोलते हो, क्योंकि ये जितना y है उतना ही y हम इधर भी ले सकते हैं, मान लिया ये y यहां तक था और ये x की वैल्यू यहां तक थी, तो वेक्टर में हम ऐसे जितना वेक्टर की लंबाई यहां पे है उतनी वेक्टर की लंबाई यहां पे ले ली, और जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये ले लिया, तो एक वेक्टर जहां पे खत्म होता है दूसरे वेक्टर को वहां से शुरू करो, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकालना है फर्स्ट के इनिशियल से लास्ट के फाइनल पे मिला दो, दिस इज रिजल्टेंट। तो ये 11th क्लास की बातें हैं, लेकिन मेरे को जो बताने की बात है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में स्लोप क्या है, स्लोप है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप जो है वाई बाई एक्स है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये v है और ये i है, तो इन दोनों का स्लोप भी क्या होगा, वो ऐसे जाएगा, जैसे यहां y by x की वैल्यू m थी क्योंकि y is equal to mx था, यहां v is equal to ir है, तो यहां पे v by i की वैल्यू क्या हो जाएगी, r, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप किसका, vi ग्राफ का, सॉरी जैसे आप इसको क्या बोलोगे, एक्स वाई ग्राफ, जो पहले एक्स एक्सिस पे उसको बोलते हैं फिर इसको बोलते हैं, तो ये है एक्स वाई ग्राफ का स्लोप।
तो इस तरीके से अगर ये वी है और ये आई है तो इन दोनों का स्लोप को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। अब ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। अब अगर कहीं पे ऐसा है, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि दो लाइन बना के दे दी, सेम ऐसे दे दिया, एक ये वी है एक ये आई है, एक लाइन ये दे दी ए और एक लाइन ये दे दी बी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये ए भी एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और उसका रेजिस्टेंस जो है आर ए है, ये बी एक लाइन एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है और उसका रेजिस्टेंस जो है आर बी है। क्वेश्चन ऐसे आया, क्या आर बी आर ए से बड़ा है या आर ए आर बी से बड़ा है या फिर आर बी इज इक्वल टू आर ए है या नन ऑफ दी अबव, ऐसे चार ऑप्शन आ गए। तो हमने क्या सीखा है कि वी आई ग्राफ पे जो स्लोप है, ये जो थीटा है, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, और ये स्लोप जितना ज्यादा होगा, वी बाई आर आई की वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों लाइन्स में जितना ज्यादा स्लोप होगा जिस लाइन का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, इसका तो आपको ये जवाब देना है। वेरी गुड, बच्चे इसको याद करके चले जाते हैं, ऊपर वाली जो भी लाइन होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, बच्चे जनरली ऐसे 99% याद कर लेते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आपसे कैसे कंफ्यूज करेगा, वो आपको ये तो दे देगा आई और ये दे देगा वी। अब अगर इसका स्लोप है तो आई वी ग्राफ का या एक्स वाई, जैसे आप इसको एक्स वाई ग्राफ बोलते हो तो इसको अब क्या बोलना चाहिए मुझे, सॉरी वी आई ग्राफ बोलना चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वी है। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो तो आई बाई वी को रिप्रेजेंट करेगा, और आई बाई वी की वैल्यू क्या है, 1/r है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब इस सिचुएशन में अगर दो लाइन उसने दे दी, ये ए और ये बी, तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, मान लिया बी का स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे देख के पता चल रहा है, लेकिन जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, तो ऐसे आपको वो कंफ्यूज करेगा, जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, क्योंकि ये जो है वी आई ग्राफ है, तो आपको याद रखना है आई वी ग्राफ का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस होता है, और आई वी ग्राफ में जिसका जितना ज्यादा स्लोप उतना ही उसका ज्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन आपको अगर वो कंफ्यूज करने के लिए उल्टा ग्राफ दे दे तो आप उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, ऐसे रट्टा मार के मत जाना कि बस ऊपर वाली लाइन है तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ये बड़े सिंपल इजी इजी कॉन्सेप्ट है और इनमें सिर्फ वो घुमा के ही आपको फंसा सकता है, अदरवाइज सिंपल तो आप 10th क्लास में ये सब करके आए हो। तो ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये डिस्कस किया। अब हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस किन किन पे डिपेंड करता है और उनके घटने बढ़ने से क्या हो सकता है। ओके, आई स्टॉप इट हेयर एंड कंटिन्यूसली मैं इसी के साथ दूसरी वीडियो बना देता हूँ, उसमें रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, टुडे वी स्टॉप इट हेयर।